शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावना सौरमंडल के दूसरे किसी भी ग्रह से कम समझी जाती है। काफी लंबे समय से वैज्ञानिकों का भी एक मत रहा है कि शुक्र ग्रह पर जीवन के अनुकूल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियां हैं। बाइबल में तो इस ग्रह को नरक कहा जाता है। शुक्र ग्रह बहुत ही गर्म है, लेकिन हाल ही में हुए एक शोध में इस बात की संभावना जताई गई है कि शुक्र ग्रह पर एक जगह सूक्ष्म जीवन हो सकता है। वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फास्फीन गैस मिली है जो वहां जीवन होने का संकेत दे रही है। धरती पर इस गैस का संबंध जीवन से है। इस गैस को माइक्रोबैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उत्सर्जित करते हैं। वैसे तो फास्फीन को कारखानों में भी बनाया जा सकता है, लेकिन शुक्र ग्रह पर यह संभव नहीं है। दरअसल नेचर एस्ट्रोनॉमी नाम के जर्नल में प्रकाशित एक शोध में शुक्र ग्रह पर मिले फास्फीन गैस के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके लिए कार्डिफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेन ग्रीव्स और उनके साथियों ने हवाई के मोना किया ऑब्जर्वेटरी में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप और चिली में स्थित आटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरी टेलीस्कोप की मदद से शुक्र ग्रह पर नजर रखी। इस दौरान वैज्ञानिकों को फास्फीन के स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का पता लगा। ऐसे में वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि शुक्र ग्रह के बादलों में ये गैस बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन तमाम अनुकूल बातों के साथ ही कुछ गंभीर समस्याएं भी हैं। शुक्र ग्रह पर केवल सांस लेने योग्य हवा तो है ही नहीं, बल्कि वहां के वातावरण में सल्फ्यूरिक एसिड के वाष्प हैं। इस ग्रह पर घने बादलों में 75-95% सल्फ्यूरिक एसिड है जो जीवन के लिए एकदम घातक है। इतना ही नहीं, शुक्र ग्रह की सतह पर वायुमंडलीय दाब बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से लगता है कि हम पानी के कई किलोमीटर नीचे दबे हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।